वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बहुत ही खूबसूरत शॉल या स्टॉल कह लीजिए, उसकी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी, आप एक दिन में इजली इसको बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। आप लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग को शॉल या स्टॉल की डिज़ाइन बताई जाए। इसमें आपने नीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए कितनी खूबसूरत, मैंने यहाँ पर दो लेयर इसकी कम्प्लीट की है, और पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं इसको ज़रूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं मोती लगाऊंगी, देखिए बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। इसको देखिए मैंने 5-6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो इसकी लंबाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इसका 2 गुना लंबाई रखें। तो देखिए कितनी खूबसूरत है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक और पिंक कलर का ऊन लिया हुआ है, और इसको मैंने यू पिन से बनाया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइंस बनती है, बहुत ही इजी है। मैंने इसके पहले आप लोग को यू पिन से स्टार्टिंग से बनाना बताया ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपने स्टार्टिंग से यहाँ पर एक नॉट लगानी है। तो जो मैं स्टार्टिंग से बताई हूँ उसकी लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इतना यहाँ पे मैंने बना लिया है, आप देखिए यहाँ से क्रोशिया हम लेंगे, और यहाँ पे मैंने फिंगर में इसको ऐसे लपेटना है। आप इसको चाहें तो कलरफुल बना सकते हैं, रेड, येलो, पीला, जितने भी कलर होते हैं आप सारी पट्टियों को कलरफुल बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसको ऐसे लिया, और इस वाले लूप से यहाँ से ऐसे को इसको देखिए फिर ऐसे कर लेंगे, ये देखिए। फिर इस लूप को थोड़ा हम बड़ा लेंगे और यहाँ से ऐसे लेंगे। देखिए एक बार हम यहाँ से अंदर से ले रहे हैं, फिर एक क्रोशिया को हमने ऐसे करेंगे और यू पिन को हमने ऐसे टर्न करना है, मोड़ लेना है, फिर फिंगर में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसे इसके नीचे से लाएंगे, फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस लूप को फिर ऐसे करेंगे और ये देखिए फिर इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और इसको पलट लेंगे हम यू पिन को। बहुत ही इजी है, आपने नीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये क्रोशिया से भी जल्दी बनता है यू पिन वाला, क्योंकि इसमें अपने काउंट करके 20 से 25 पट्टी बना के फिर जॉइंट करनी है। अब देखिए इसको फिर हम यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, बहुत जल्दी बनता है। थोड़ी आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप यू पिन लेंगे तो फ्रेंड्स इसके पीछे यहाँ पर कैप लगे होते हैं, तो इससे हमारे ये फंदे निकलते नहीं हैं, और फंदा निकल जाए तो कोई इशू नहीं होता है इसमें। तो ऐसा है नहीं कि फंदा निकल जाएगा तो ये हमारे स्वेटर उधड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये हमारे जो एक दिख रहा है इसके नीचे से हम ऐसे ले जाएंगे, और ये देखिए क्रोशिया से हम ऐसे ले आएंगे, फिर इसको यहाँ पर, फिर देखिए बहुत इजी डिज़ाइन है ये। ऐसी ही आपने पूरी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। तो इसको चलिए हम पूरा कंप्लीट करके फिर बताते हैं कि इसमें मैंने कितने, ये काउंट करके बताऊंगी कि कितने मैंने ये फंदों का बनाया हुआ है, आपने कितनी लंबी रखने के लिए कितना फंदा बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इतना बना लिया है, और ये देखिए बनकर ऐसे आता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है फ्रेंड्स। और देखिए मैंने इस स्टॉल को बनाने के लिए, मैं तो ये छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने टोटल, जैसे हम ये वाला काउंट करेंगे तो ये हमारा टोटल 130 है, यानी 130 मैंने ये वाली एक एक पंखुड़ी बनाई हुई है। तो 130 हमारे ये काउंट करके मैंने बनाया है। आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो बड़े के लिए तो इसका मतलब 2 गुना होगा या और भी लंबा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो वो फ्री साइज़ बनेगा। तो इसमें यहाँ पे टोटल 300-400 पूरी हमने ये लंबी स्ट्रिप ये लेना होगा, एक एक हमारी ये चैन 300-400 चैन होनी चाहिए टोटल,
अगर आप 400 रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत इसका ये बनकर आएगा। तो ऐसे आप सॉल भी बना सकते हैं। तो इतना तो मैंने बना लिया फ्रेंड्स। अब इसको आपने जैसे एक बार अगर आपने जो पट्टी बनाई है उसी के माप का इसको भी सारी पट्टी हमारी काउंट होके बनेंगी। तो हम काउंट कैसे करेंगे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हम एक एक चैन को काउंट करते जाएंगे। अब देखिए हमने इसको जोड़ना कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, दो पट्टी को एक साथ जोड़ा हुआ है ब्लैक और पिंक कलर को। तो यहाँ पे देखिए ये चैन छोटी सी बनती हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आप चाहें तो वाइट कलर की मोती लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप मोती लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि हम इसको जोड़ते कैसे हैं पट्टी को। तो आपने दोनों पट्टी को साथ में रखना है। दोनों पट्टी को साथ में रखने के बाद ये तो हमने नॉट लगाया था स्टार्टिंग से, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम दो चैन लेंगे, 1 2 देखिए आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे दो चैन लिया और दो चैन हम इसमें से लेंगे। ये देखिए नीचे से हम इसको जोड़ते हुए आएंगे। ये हमने जो नॉट लगाई थी इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो लिया, अब इसको इसके अंदर से ऐसे इंसर्ट करके निकालेंगे। ये दो चैन हो गया, फिर यहाँ से हम आपने दोनों ऐसे ले लेना है, इजी वे में मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ से हम दो चैन इसके अंदर से निकालेंगे। आपने देखिए एक भी चैन हमारी ये स्किप नहीं होनी चाहिए, कि हम एक चैन हमारा छूटना नहीं चाहिए। देखिए फिर इसको ऐसे इसके अंदर से निकालेंगे, फिर यहाँ से हम दो चैन लेंगे। आप चाहें तो इसका बेस मतलब 3-3 चैन भी रख सकते हैं। ये देखिए फिर हम यहाँ से दो चैन लिया हमने, फिर यहाँ से ये देखिए दो दो चैन लेके हम ये बनाते हुए जाएंगे। देखिए कितना इजी है ये, और आराम से आप 1-2 दिन में अगर आप कंटिन्यू बना रहे हैं तो 1 दिन में इजली इसको इस स्टॉल को तैयार कर सकते हैं। और ऐसे आप ऊलन ब्लाउज भी बना सकते हैं। अगर आप ऊलन ब्लाउज इस पैटर्न में इस डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग ऐसी ही डिज़ाइंस की ऊलन ब्लाउज बनाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे ही हमारी ये बनती हुई जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। तो आपने पूरा ऐसे ही, ये देखिए ये हमारी पूरी ऐसे ही स्ट्रिप जोड़ते हुए जाएंगे। फिर जब हमने ये जोड़ लेना है तो पूरे ऐसे हम दोनों पार्ट को पकड़ के खींचेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, आप पूरी शॉल तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।